नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, सीआई इंजन, जिसको हम डीजल इंजन के तौर पे भी जानते हैं। तो इसमें मेनली दो तरीके के सिस्टम है, एयर है, एक है एयर इंजेक्शन सिस्टम एंड दूसरा है सॉलिड और एयरलेस टाइप ऑफ सिस्टम। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड सॉलिड और एयरलेस के टाइप के अंदर CRDI कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना एक मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिनको मेरे बारे में पता है वो एक मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं। माई सेल्फ जयवीर शाह, आई एम हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न as an assistant professor in mechanical engineering department in Virayatan Institute of Engineering, which is affiliated with AICTE approved by UGC, and my qualifications are BE mechanical with 9.47 CPI from Sardar Patel University, ADIT, AD Patel Institute of Engineering, and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI. I pursued my master's from Government Engineering College, Bhuj under Gujarat Technological University and I scored 9.12 CPI during my master's. Then I did PGDIPR course, means Post Graduation Diploma in Intellectual Property Rights from Gujarat Technological University, and I scored first rank in Gujarat, top in Gujarat with 9.12 CPI. And currently pursuing PhD from Gujarat Technological University as well. I cleared Indian Patent Agent examination and my Indian Patent Agent number is 3339. Patent क्या होती है? Patent यानी कि आप जो भी पढ़ते हैं उस चीज को आप अपने प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अगर आपकी इनोवेटिव सोच है तो, कुछ नया करने की सोच है तो, कुछ नया प्रोसेस या प्रोडक्ट बनाने की सोच है तो। Also a YouTuber and influencer. So this is my brief introduction and let's start the video about types of fuel injection system in CI engine. Actually ye video kin ke liye bahut hi faydemand hai, jo bhi student 7th semester mechanical mein padhte hain, particularly main kahun in GTU Gujarat Technological University under the subject of IC engine, ye topic hai ki types of fuel injection system in CI engine, to uske bare mein hum baat kar rahe hain। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। तो पहले ये वर्ड पे गौर कीजिएगा, एक जगह पर लिखा हुआ है एयर और एक जगह पर लिखा हुआ है एयरलेस। अगर ये वर्ड को आपने समझ लिया तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे ये कहना क्या चाहता है। एक टाइप है एयर विथ एयर और दूसरा कह सकते हैं एयरलेस। एयर इंजेक्शन सिस्टम का मीनिंग यही हुआ कि एयर को भी इंजेक्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्टर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एयर को भी इंजेक्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्टर। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कंप्रेशन इग्निशन इंजन का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एयर को ही सप्लाई किया जाता था इन सक्शन स्ट्रोक। तो एयर जब कंप्रेस होती थी तब वो हाई टेंपरेचर अटेंड करती थी, तब वहां पर जाके फ्यूल को हम इंजेक्ट करते थे। तो वो जो हम सिस्टम पढ़े हैं, जो अभी लास्ट लेक्चर 23rd लेक्चर में हमने पढ़ा था, दिस इज लेक्चर नंबर 24। अगर आपको सारे लेक्चर चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में आपको एंड स्क्रीन मिलेगी, वहां पर इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की प्लेलिस्ट है, आईसी इंजन की भी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं अप टू 24। ओके, तो वहां से देख लीजिएगा। बट फिलहाल जब भी हम बात करते हैं डीजल इंजन को समझते हैं तो हम ऐसा ही बोलते हैं कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में एयर आती है, देन एयर को कंप्रेस किया जाता है, एयर का प्रेशर बढ़ता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ता है और उसके बाद में वहां पर फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जब भी हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली और बेसिकली द एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। और एयर इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि उसी नोजल के अंदर एयर का वाल्व फिट कर दिया जाता है और वहां से ही एयर एंड फ्यूल दोनों साथ में एंटर करते हैं इंजन के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड एयर इंजेक्शन सिस्टम। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एयर इंजेक्शन सिस्टम। तो वहां पर क्या किया जाता है, मल्टी स्टेज
एयर कंप्रेशर लगाया जाता है, ये सबसे बड़ी प्री मोस्ट रिक्वायरमेंट बन जाती है मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर की। जो मल्टी स्टेज होता है, इसीलिए एक से ज्यादा स्टेज होना वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमें एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा मिले, और उसके बीच में इंटरकूलर लगाया जाएगा। अगर इंटरकूलर लगाएंगे तभी जाके एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। अगर आपको नहीं पता है कि क्यों मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर में इंटरकूलर लगाने से या मल्टी स्टेजिंग करने से एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, ताकि मैं आपको वो आंसर दे पाऊं। और अगर पता है तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप मुझे ये आंसर दीजिए कि मल्टी स्टेजिंग करके कैसे थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है इन केस ऑफ एयर कंप्रेसर या कंप्रेसर। ओके, अब उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। एसी टाइप की सिस्टम, यानी इस टाइप की सिस्टम के एडवांटेज है, एक तो देखिए फ्यूल और एयर दोनों जा रहा है, तो फ्यूल और एयर एटोमाइज भी अच्छी तरीके से हो पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छी तरीके से हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल एंड एयर दोनों अलग अलग तरीके से नहीं आ रहे हैं, एक ही तरीके से, एक ही जगह से, एक ही इंजेक्टर से आ रहे हैं। और साथ में जो फ्यूल पंप है उसको कम प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ज्यादा एयर का प्रेशर क्रिएट करके रखा है, इसलिए फ्यूल पंप का प्रेशर हमें कम कर देना पड़ेगा एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड, यानी अभी जो चल रही है वो मेथड। ओके, तो डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज में जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर हमें लगाना पड़ेगा, जिसकी इनिशियल कॉस्ट भी हाई होगी और साथ में उसका मेंटेनेंस भी हाई होगा, एमएससी यानी मल्टी स्टेज कंप्रेसर। और जैसे ही हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर लगाएंगे तो कंप्रेसर को रन करने के लिए बहुत सारा पावर देना पड़ेगा, तो हमारा पावर आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। सो दिस आर दी टू डिसएडवांटेजेस अबाउट एयर इंजेक्शन सिस्टम। अगर पूछा जाए कि एयर इंजेक्शन सिस्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, मुझे नहीं लगता है कि ये 7 मार्क में पूछा जाएगा, ये 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और 3 मार्क में आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे व्हाट इज एयर इंजेक्शन सिस्टम, व्हाट फॉर व्हाट पर्पस मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर इज रिक्वायर्ड, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टी स्टेज सॉरी एयर इंजेक्शन सिस्टम इन केस ऑफ CING। अब हम बात करते हैं सॉलिड और एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। वैसे तो सॉलिड और एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम के अंदर 3 टाइप के पंप्स आते हैं, यानी 3 तरह के सिस्टम्स आती है, उसमें से हम फर्स्ट सिस्टम को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, जो है CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। अब ये समझ लीजिए कि एयरलेस में होता क्या है। एयरलेस में जो भी हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं जिस तरीके से डीजल इंजन को, वही चीज होती है एक्चुअली, यानी कि सक्शन स्ट्रोक में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एयर आती है, फिर एयर को प्रेशराइज किया जाता है, और एयर जब प्रेशराइज होके अप टू 35-80 bar प्रेशराइज हो जाती है, जब उसका टेम्परेचर हो जाता है 500-800 degree centigrade, तब जाके फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, और सिर्फ फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। इसीलिए इसको सॉलिड या फिर एयरलेस, फ्यूल के साथ कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है, इसीलिए एयरलेस या फिर सॉलिड टाइप ऑफ इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। तो इस केस के अंदर सबसे पहला पार्ट हम देख रहे हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी फिगर समझनी पड़ेगी, तो फिगर को समझते हैं। तो फिगर को समझने के लिए कॉमन रेल के अंदर एक कॉमन सी रेल होती है। कॉमन सी रेल होना यानी अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये कॉमन रेल हो गई, जो चार सिलेंडर्स के अंदर भेज रहा है फ्यूल को। तो मैं 3 सिलेंडर्स यहां पर बना देता हूं और एक सिलेंडर को हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। तो ये रहा 1st number of cylinder, ये रहा 2nd number of cylinder, ये रहा 3rd number of cylinder, और इन 3 सिलेंडर्स के अंदर फ्यूल्स को भेजा जाता है एक कॉमन रेल के थ्रू। तो ये है नीचे वाली जो है वो है कॉमन रेल, या कॉमन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से ये तीनों को फ्यूल मिलेगा। तो तीनों को फ्यूल भेजा जाता है। ये है सिलेंडर नंबर 1, ये है यानी सिलेंडर नंबर 2 कह देते हैं इसको, सिलेंडर नंबर 3 एंड सिलेंडर नंबर 4। सिलेंडर नंबर 1 के अंदर क्या क्या प्रोसेस होगी वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिटन हियर, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन रेल। इस कॉमन रेल के अंदर फ्यूल कौन भरेगा भाई,
ये भी तो एक क्वेश्चन है, तो वो फ्यूल भरेगा बाय द फ्यूल पंप, तो हमारे पास एक फ्यूल पंप होना चाहिए। तो यहां पर मैं बना लेता हूं एक फ्यूल पंप, ये बना लिया मैंने फ्यूल पंप, और इस फ्यूल पंप के अंदर फ्यूल कहां से आएगा, फ्रॉम द फ्यूल टैंक, तो वो भी हम डाल देते हैं यहां पर, फ्रॉम द फ्यूल टैंक फ्यूल आएगा। और फ्यूल टैंक से जब फ्यूल पंप के अंदर फ्यूल आएगा तो फिर क्या होगा, फ्यूल का हाई प्रेशर कन्वर्जन होगा, यानी हाई प्रेशर पे फ्यूल को डिस्चार्ज किया जाएगा, कहां पर, कॉमन रेल के अंदर डिस्चार्ज किया जाएगा। सो कॉमन रेल के अंदर फ्यूल को डिस्चार्ज किया जाएगा, परफेक्ट। चलिए फ्यूल इन एंड फ्यूल आउट ये लिख लेते हैं। मगर कब पता चलेगा कि हमें कौन से पॉइंट पे फ्यूल को अंदर भेजना है, यानी कब हमें फ्यूल पंप के आउटलेट को ओपन करना है और कब हमें हाई प्रेशर चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ये जो फ्यूल पंप है, ये एक्चुअली फ्यूल पंप है, इसको मैं FP लिख देता हूं यहां पर। तो ये फ्यूल पंप किसके साथ कनेक्टेड रहता है, ये फ्यूल पंप कनेक्टेड रहता है केम शाफ्ट के साथ, केम शाफ्ट के साथ ये कनेक्टेड रहता है। तो मैं यहां पर एक केम शाफ्ट बना लेता हूं, और ये केम शाफ्ट की मदद से समझता है कि कब हमें फ्यूल को अंदर भेजना है, कब हमें फ्यूल को बाहर भेजना है। ओके, तो यहां पर रहा केम शाफ्ट, केम शाफ्ट के बाद फ्यूल पंप, फ्यूल पंप फ्यूल को फीड करेगा कॉमन रेल के अंदर, और कॉमन रेल से पूरे सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा फ्यूल। अब आप कहेंगे कि उसी टाइम पे भेज दिया फ्यूल को, तो थोड़ा बहुत तो फ्यूल बाहर निकल जाएगा, उसको वापस हमें फ्यूल में भेजना है, ये कॉमन रेल के अंदर सारा फ्यूल है, ये तीनों सिलेंडर में चला गया, उसके बाद में भी थोड़ा सा फ्यूल बाकी रह गया, उसको हमें वापस भेजना है अगर फ्यूल टैंक के अंदर, तो वो काम कौन करेगा, वो करेगा हाई प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो हमें हाई प्रेशर एक रिलीफ वाल्व भी बनाना होगा, जिसका मेन फंक्शन इतना ही है कि उसको फ्यूल को वापस भेज देना है इन दी फ्यूल टैंक, जो भी यहां पर ज्यादा बचा वो फ्यूल। इसको कनेक्ट करते हैं हम यहां पर, और वापस फ्यूल टैंक में भेज दिया जाएगा। ओके, तो ये क्या है, दिस इज हाई प्रेशर रिलीफ वाल्व, हाई प्रेशर रिलीफ वाल्व, और इसका फंक्शन क्या है, जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल यहां पर बताया है, एक्स्ट्रा फ्यूल, उसको कहां पर भेज देना, फ्यूल पंप के अंदर भेज देना, ये इसका फंक्शन है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, अब एक ही पार्ट बचा है, और जहां पर थोड़े से फंक्शंस ज्यादा है वो पार्ट है इंजेक्टर। तो इंजेक्टर को हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि इंजेक्टर में क्या क्या चीजें अवेलेबल है और इंजेक्टर कैसे वर्क करता है। वैसे इंजेक्टर यहां पर क्या सप्लाई करेगा, इंजेक्टर यहां पर फ्यूल को ही सप्लाई करेगा, फ्यूल को ही इंजेक्ट करेगा, और इंजेक्टर यहां पर अवेलेबल रहेंगे। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, चलो मैं एक रेड डॉट से बना देता हूं, ये रहा एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, और अभी हम एक इंजेक्टर बना रहे हैं जो फोर्थ यानी फर्स्ट सिलेंडर के लिए लगेगा, उसको मैं डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा इन अ डिटेल मैनर, इसीलिए मैंने यहां पर रखा है। तो सबसे पहले यहां पर केम बनेगा, और केम जो है वो केम धक्का देगा यानी पुश करेगा किसको, उसके ऊपर लगाए गए फॉलोवर को, और वो फॉलोवर का काम क्या है, इंजेक्टर को ओपन करना और क्लोज करना, ये मेन फंक्शन वो फॉलोवर करेगा। तो पहले हम चलिए इंजेक्टर को बना लेते हैं, लेट्स डिफाइन द इंजेक्टर फर्स्ट। ओके, चलिए इंजेक्टर में सबसे पहले ऊपर एक स्प्रिंग रहेगी और नीचे एक नीडल वाल्व रहेगा, तो उसको बना लेते हैं। चलिए इसको यूज कर लेते हैं। ओके, एंड परफेक्ट टू, और ऊपर एक स्प्रिंग बनानी है,
सो हियर इट इज स्प्रिंग अभी स्प्रिंग का काम क्या है कि जैसे ही निडल वाल्व ओपन हो जाए निडल वाल्व से यहां से इंजेक्शन स्टार्ट हो जाए क्योंकि प्रेशर जब ज्यादा बनेगा फ्यूल का तब जाके ये निडल वाल्व ओपन होगा और निडल वाल्व ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग उसको वापस बंद करने के लिए लगाई गई है कि आफ्टर 100 और 200 बार जैसे कि इंजन होगा सपोज समझ लीजिए कि यहां पर हमें इंजेक्ट करना है फ्यूल को एट 100 बार तो 100 बार पे जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट हुआ उसके बाद हमें बंद कर देना है यानी कि जैसे ही प्रेशर 100 बार से नीचे आया तो ये स्प्रिंग धक्का देके इस निडल वाल्व को बंद कर देगी फॉर दैट पर्पस दिस स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड तो दो पार्ट्स हमने जान लिए एक क्या है स्प्रिंग और दूसरा क्या है निडल वाल्व और ये जो पूरा एनक्लोजर है उसको हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे इंजेक्टर चलिए इस जो पूरा इंजेक्ट ये पूरा जो एनक्लोजर है उसको हम क्या कहेंगे इंजेक्टर कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे इसको स्प्रिंग कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे इसको निडल वाल्व कहेंगे ओके ये तीनों चीजें हमें मिल गई और यहां से इंजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है ये सभी केस में यहां पर लगाया गया होगा जो मैंने आपको डॉट्स की तरह बताए हैं उन सभी जगह पर ऐसा इंजेक्टर एक प्रोवाइड किया गया होगा अब ये जो निडल वाल्व है वो निडल वाल्व ओपन या क्लोज कैसे होता है उसके बारे में जान लीजिए तो ये निडल वाल्व जो है उसके साथ में एक मैकेनिज्म रखी जाती है ओके ये निडल वाल्व के साथ एक फॉलोवर को रखा जाता है जो फॉलोवर केम के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है यहां पर हमें केम बनाना है और ये केम शाफ्ट है जो मैं क्रॉस सिंबल बना रहा हूं ना वो केम शाफ्ट है और केम के घूमने के हिसाब से मैंने यहां पर एक जगह छोड़ी है वो बहुत ही इंटेंशनली छोड़ी है ये जो जगह छोड़ी है वो मैंने इंटेंशनली छोड़ी है और उसको कहा जाएगा कंट्रोल वेज इसको क्या कहा जाएगा कंट्रोल वेज ये क्या है केम और ये केम किसके साथ कनेक्टेड है केम शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और वही सेम केम कहां पर कनेक्टेड है यहां पर ओके तो अब आप समझ रहे होंगे कि केम जो केम शाफ्ट है वो केम शाफ्ट किसके साथ कनेक्टेड होता है इंजन के साथ तो जैसे ही इंजन घूमेगा केम शाफ्ट घूमेगा और केम को पता रहता है कि पिस्टन की मूवमेंट कब कंप्रेशन स्ट्रोक तक आने वाली है तब जाके वो ओपन कर देगा किसको निडल वाल्व को जैसे ही ये जो केम है इसकी पिक यहां पर है जैसे ही ये पिक यहां पर आ गई घूमते घूमते यहां पर आ गई तो क्या होगा ये पुश रोड जो है इसको कहा जाता है पुश रोड ये पुश रोड अपवर्ड मूवमेंट करेगा ये पुश रोड के अपवर्ड मूवमेंट करने से यहां पर भी अपवर्ड मूवमेंट होगी यहां पर भी निडल वाल्व की अपवर्ड मूवमेंट होगी और अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से इंजेक्शन स्टार्ट हो पाएगा इंजन के अंदर क्लियर
और ये इंजेक्टर कहां पर लगाया जाता है? ये इंजेक्टर यहां पर लगाया जाता है, हर एक सिलेंडर के अंदर लगाया जाता है ये इंजेक्टर। परफेक्ट, क्लियर। तो यहां पर भी मैंने जैसे आपको सिलेंडर नंबर 2, सिलेंडर नंबर 3, सिलेंडर नंबर 4 में बता दिया, उसी तरीके से यहां पर भी इंजेक्टर लगाया गया है। अब आपके दिमाग में एक ही क्यूरियोसिटी होगी, तो फिर ये कंट्रोल वेज करता क्या है? कंट्रोल वेज की जगह बढ़ने से या कम होने से होगा क्या? समझ लीजिए, अगर मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, कंट्रोल वेज की जगह अगर बढ़ेगी, ये जगह अगर बढ़ती है, इसके बीच की जगह अगर मैं बढ़ा देता हूं कुछ भी करके, या कम कर देता हूं, तो इससे होगा क्या? बढ़ा दिया तो क्या होगा? कंट्रोल वेज की जगह बढ़ेगी तो क्या होगा? 10 सेकंड है आपके पास, आंसर लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, आंसर 2 हो गए। आपको 50-50 ऑप्शन भी दे देता हूं, अगर अभी तक आपने आंसर नहीं लिखे तो। 1, फ्यूल ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? अब आपको आंसर देना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। आई होप आप समझ चुके होंगे कि अगर हमने कंट्रोल वेज की जगह बढ़ा दी तो उसकी वजह से पुश रोड ज्यादा ऊपर जा पाएगा, और पुश रोड जितना ज्यादा ऊपर आया उतना ही ये ज्यादा नीचे आएगा, और उतना ही ये जो निडल वाल्व है वो ज्यादा ऊपर जाएगा और फ्यूल ज्यादा प्रोवाइड होगा। तो कंट्रोल वेज का काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्पीड कंडीशन पे, जब स्पीड कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, यानी लोड कंडीशन जब बढ़ता है तो कम होता है, उसी की तरह कंट्रोल वेज की भी जो दोनों डिस्टेंस है, गैप है, वो बढ़ता है या कम होता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लेस और मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल इन टू द सिलेंडर। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल वेज। आई होप के CRDI किस तरीके से काम करता है अब से आप समझ पा रहे होंगे। इस जो पूरा ये मैंने डायग्राम बनाया वहां से आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दूसरे लोगों के साथ, ताकि अगर दूसरे लोग जो मैकेनिकल 7 से पढ़ते हैं उनको भी मदद मिल पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।